क्या सारी दुकानें वगैरह तो बंद है क्या है? और फीस भी ऐसी है कि भीड़ थोड़ी, बसों में जो प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है हमारे सामने। अभी कई होटल हो गए तो देखेंगे वहाँ पर रुकेंगे रात को, फिर वो इंटरनेट बंद है जिससे कोई काम नहीं हो सकता। देश में कर्फ्यू के हालातों के बीच में यहाँ पे लैब असिस्टेंट का आज एग्ज़ाम था, 3 दिवस का ये जो एग्ज़ाम चल रहा है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स बाहर से आए हुए हैं और हमारे साथ भी कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं। आइए बात करते हैं कैसी इनकी तैयारी रही, कैसे इनके पेपर्स गए। चलिए बात करते हैं, आप एग्ज़ाम देने आए हैं? यस मैम। कहाँ से आए? कुशलगढ़ से। कहाँ से? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से, कैसा रहा पेपर आज? पेपर अच्छा रहा। अच्छा रहा। ये जो अभी हालात हैं उदयपुर में कर्फ्यू के और सारा मर्डर को लेकर के, पूरा नेशनल इशू जो बना हुआ है, क्या लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा आपको? डर तो नहीं लग रहा, ठीक है। व्यवस्थाएँ सारी सही है? सही है। बसों की व्यवस्था थोड़ी मिलने भीड़ है बहुत, हाँ वेट कर रहे हैं कब से, बस नहीं मिल रही। अच्छा पेपर के बारे में बताइए। पेपर ठीक है, अच्छा गया। अच्छा गया, मतलब टफ आया था कि? नहीं बराबर, नॉर्मल था। और कौन कौन आप भी पेपर देने आए थे क्या, कैसा रहा आपका पेपर, क्या कहना है पेपर के बारे में? पेपर अच्छा था, मीडियम था। तैयारी के हिसाब से कैसा रहा? तैयारी अच्छा था। सिलेक्शन के आसार हैं? सिलेक्शन के अच्छा आपको लगता है? उदयपुर में अभी जो हालात है, कर्फ्यू लग रहे हैं कई थाना इलाकों में और कई, क्या लगता है, डर तो नहीं लग रहा है ऐसे में? डर का थोड़ा माहौल तो है, कहीं माहौल बिगड़ ना जाए यू करके, फिर भी पहले के मुताबिक जो भीड़ नॉर्मल ट्रैफिक होती है उसके अकॉर्डिंग अभी ठीक ठाक है। अभी व्यवस्थाएं कैसी लगती है? व्यवस्थाएं तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, संतुष्ट है। बस वगैरह सारी, बस की व्यवस्था संतुष्ट नहीं है? क्या ठीक नहीं लग रहा भाई? क्या सारी दुकानें वगैरह तो बंद है क्या है? सारी दुकानें, आपको खाने पीने का और खाने पीने की कोई सुविधा तो होनी चाहिए ना, ना कोई रहने की कुछ भी, सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद रखे। हम आ रहे थे रास्ते में तो दिखा सब के सब, हम जोधपुर से मतलब रहने वाले भीलवाड़ा के और जोधपुर तैयारी कर रहे थे। जोधपुर से आए? फिर आपने कैसे मैनेज किया सारा? मैंने इससे क्या, अब एग्ज़ाम तो देना था जो आ गए। खाना पीना रहना कैसे मैनेज किया? अभी तो यही है, अब एक नाइट निकालना, अभी आए जस्ट। अच्छा अभी आए हैं, कल है आपका पेपर, तैयारी कैसी? तैयारी अच्छी है, ठीक ठाक है। मेरे पर्सनली ज्योग्राफी सब्जेक्ट थे एमए तक और मेरे पहले भी तैयारी कर रखी है, तो देखते हैं क्या होता है, किस्मत को आजमा है ये भी बोलना चाहते हैं। हम चालो डिस्ट्रिक्ट है, गाँव वीरावा है, पूनमचंद नाम मेरा और मैं मेन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही हूँ और पेपर मेरा कल होना है। अब परिस, हाँ और परिस भी ऐसी है कि भीड़ थोड़ी, बसों में जो प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है हमारे सामने, क्योंकि वहाँ एक तो बस नहीं है यहाँ डायरेक्ट, और दूसरे नंबर एक बस आती है उसके अंदर इतनी भीड़ है जिसकी हद नहीं है, और रुकने में भी हमें बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ पे रुके हैं अभी आप? अभी तो हम इधर उधर घूम रहे हैं, अभी हमारी व्यवस्था हुई नहीं है और प्रशासन की ओर से कोई हमारे मतलब रुकने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है हमारे सामने, और बाकी जो परेशानी हम उठा रहे हैं उस परेशानी में खाने में पीने में फ़ोटो करने, फ़ोटो कॉपी करनी है तो हम जाएँ कहाँ? अब हमारे पास चलो फ़ोटो है, उसका फ़ोटो निकालना है तो कहाँ से निकालें? दूसरी परेशानी आ रही है कि हमारे पास जो प्रवेश पत्र है अब उसकी फ़ोटो कॉपी करनी है, एक फ़ोटो कॉपी तो बस कंडक्टर को दे दी हमने, अब दूसरी एक ही है हमारे पास, तो एक वापस जाने के लिए चाहिए, वापस फ़ोटो कॉपी भी करवानी पड़ेगी और वो भी एक ही दुकान खुली है नहीं अब यहाँ, और फिर टी शर्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है, दुकानें सारी बंद है, हमारे सामने टी शर्ट अब पहनना है उसके लिए अब सर। ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी पता थी, ठीक ही नहीं थी? नहीं मैडम जी थी हमें पता थी ना, अब ये जो यहाँ पे परिस्थिति बनी है वो अचानक बनी है, अचानक बनी है ना, तो अब हमें हमारे सामने तो परेशानी हो रही है ना, इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि थोड़ी तैयारी पहले से भी कर लेनी चाहिए ना। पढ़ाई की तो तैयारी कर लेते हैं मैडम, बाकी चीज़ों की तैयारी थोड़ी करने में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है ना। टी-शर्ट वी-शर्ट पहले ले सकते थे हम, पहले ले सकते, लेकिन अभी फिलहाल हो गई है। आप में से कौन कौन एग्जाम देने आया अभी? सारे कैसी लग रही व्यवस्थाएं जो यहाँ पे अचानक ये परिस्थिति बनी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे, डर का माहौल लग रहा है या सब कुछ व्यवस्थाएं आपको ठीक लग रही है? ठीक नहीं लग रही, ठीक नहीं लग रही, ठीक नहीं लग रही भैया हमारे रहने के लिए पहले बात तो, और सेंटर भी यहाँ से बहुत दूर है। कहाँ है आपका सेंटर? मेरा गिरवा में, हाँ मेरा देवारी में, और आने में भी अभी आपने क्या सोचा है? अभी कई होटल हो गए तो देखेंगे वहाँ पर रुकेंगे रात को, फिर सुबह जल्दी निकलेंगे। हाँ आपको क्या कहना है? और इस खौफ के माहौल में होटल वगैरह रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, तो कहीं देखते हैं बाहर ही रुकना पड़ेगा, नहीं तो करेंगे। बस को आने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुई, सुबह 7 बजे निकला भी खाना पीने का, ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा मैडम, सब बंद है ना, सिटी बसें बंद है, इनका कोई 12 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है, सारे ऑटो बंद है, वो परेशानी हो रही है। 9 बजे का टाइम है, कैसे जाएंगे सुबह 9 बजे? 9 बजे की, हाँ जिसमें से मतलब 1.5 घंटा पहले बुलाया, यानी कि 8
हाँ, डेढ़ घंटा पहले बुलाया, यानी कि 8 बजे पहुंचना सेंटर पे। तो बताओ कैसे जाएंगे? सीटें बसें बंद हैं, वाहन की बिल्कुल सुविधा नहीं है, वाहन की हाँ, वो इंटरनेट बंद है, जिसे कोई काम नहीं हो सकता। लोकेशन कैसे निकाले? लोकेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है हमको, बस में आने के लिए बस में दिक्कत हो रही है। एक बजे बस मिली थी, पाली से दूर से भी गाँव है, रहने की सुविधा नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे आ रही है, उदयपुर में जो 11 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा है, उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हैं, राजस्थान के कोनों कोनों से यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद है, कोई पाली से, कोई जालोर से, कोई जोधपुर से, रहने के लिए और वाहनों की सुविधा जो है वो यहाँ इनको नहीं मिल रही है, खाने पीने की सुविधाएं इनको नहीं मिल रही है, सभी दुकानें बाहर बंद हैं, कहाँ ये फोटोकॉपी कराएं। मान लिया जाए कि पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त पर भी स्टूडेंट्स को कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कर्फ्यू का माहौल है शहर में तो एग्जाम सेंटर पर कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती है, प्रशासन को इस और भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाहरी जो है शहरों से कई स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हमारे भरोसे यहाँ पर आए हुए हैं और अब इनको ये व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है और ना ही इन्हें ये समझ आ रहा है कि इसके लिए संपर्क भी कहाँ पर किया जाए। आप में से और कोई जो कोई परेशानी किसी के सामने आ रही है? सुबह सुबह सेंटर पे जाने के लिए टेम्पो वगैरह रिक्शा की वगैरह व्यवस्था प्रशासन, अभी हम कहाँ रुकेंगे, वो भी तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। अभी आप सोच रुकने की भी व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, और सुबह वो सेंटर कैसे पता करना, हम जालोर से आए, सेंटर खोजने में समस्या आ रही है, नेट भी बंद है, आपको मालूम ही नहीं है, आए हुए अपना सेंटर दूसरा जगह आपकी बार वो इतना घुमा हुआ नहीं है। डिपो के अंदर साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल कचरा फैला हुआ है, सुबह से मैं कोई घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और पहले क्या पुलिस लगती थी, पहले एग्जाम होते थे स्टूडेंट को बसों में बिठाने के लिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं। अब अभी थोड़ी हालात क्रिटिकल है, आप ये भी समझे, उदयपुर का पुलिस प्रशासन है, वो अभी कहीं और वो भी इधर इधर बैठा रहता है, कोई स्टूडेंट पर ध्यान नहीं रहे, स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है, बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।